दोस्त एक बार फिर आपका स्वागत है हैप्पी इंडिया में। आज हम पहुंच गए हैं मेघ मल्हार एग्रो टूरिज्म सेंटर जो कि मुर्शी में है, और यहाँ पे हम आज पूरा दिन बिताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि मेघ मल्हार एग्रो टूरिज्म में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले देखिए ये रिवर सीजनल रिवर है। बारिशों में ये बहुत ही बड़ी नदी बन जाती है। उसके बाद देखिए ये फार्म हाउस में 3 बेडरूम्स हैं, एक बड़ा हॉल है, एक डाइनिंग एरिया है, एक बालकनी है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, और एक छोटी टेरेस है जो कि सेकंड फ्लोर पे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के ट्री हाउसेस को। ये चारों तरफ से हरियाली से घिरे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इन फार्म्स को थोड़ा पास से देखते हैं। सबसे पहले है ये गन्ने की खेती जो कि रिवर के पास है। उसके बाद कॉटेजेस के पास हैं ये पैडी फील्ड, मतलब राइस की खेती। ये हैं राइस के खेत, और ये हैं पत्ता गोभी, ये है चीकू, बनाना। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है बीन्स और मैंगो की जो पेड़ हैं उसमें ऑलरेडी फल आ रहे हैं। ये वीडियो हमने सर्दियों में बनाया है, मतलब जनवरी में बनाया है। इस समय ये सारी सब्जियां और फल यहाँ पे ऑलरेडी उग रहे हैं। आप अगर बारिशों में आओगे तो बारिश के पहले आओगे तो यहाँ पे आपको आम मिलेगा। अगर आप थोड़े और बाद में आओगे तो उस समय की सब्जियाँ और फल आप डायरेक्टली पेड़ से तोड़ के खा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन कॉटेजेस को। ये कॉटेजेस हैं यहाँ पे, नॉन एसी और एसी कॉटेजेस हैं। ये कॉटेजेस चारों तरफ से फार्म से घिरे हुए हैं। और सेकंड लास्ट मैं बताना चाहूँगा ये जो गेमिंग जोन है, ये जो गेमिंग एरिया है, यहाँ पे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस और फुटबॉल का जुगाड़ किया गया है। बहुत मज़ा आता है ये वाले सारे गेम्स खेलने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट के ऊपर। यहाँ का रेस्टोरेंट का खाना हमें बहुत पसंद है, ये पे खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है यहाँ पे। यहाँ के सबसे बढ़िया जो एक्टिविटी है वो है यहाँ का स्विमिंग पूल और रेन डांस एरिया। ढेर सारी फैमिलीज यहाँ पे आके खूब मजे करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया पूल है, बहुत बड़ा पूल है, छोटी बच्चों के लिए एक अलग पूल है, रेन डांस एरिया की अलग जगह है, और बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया गया है। मेघ मल्हार एग्रो टूरिज्म के हैप्पी इंडिया के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।